चुकी है नालंदा विश्वविद्यालय जो एक खंडहर है जो काफी पुराना, उसकी तरफ रवा दवा हम लोग। अब्दुल्ला गए, शाहनवाज गए, एक एक करके जाओ यार। फैजान और नासिर गए जो कि रात से काफी अच्छी जोड़ी बनी है। दिलसाद गए, हीरा भाई गए, तौसीफ गए और ये मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन मैं देखा नहीं। जहाँ दरवाजा खुलता था जब गलियारे में सीढ़ी डेवलप किया गया, एक एक छत का एक एक घर था दूरा का। नासिर कहाँ है? हमारा विश्वविद्यालय का बेहतरीन छात्र फिल्म देखने गया है, कल उसको छड़ी पड़ेगी। है कहाँ वो? आइए भाई, अब लिए मनमोहन साला, हम भी तो स्टूडेंट है भाई। ये क्या है? हम असिस्टेंट, हम ग्रेजुएट हो गए क्या? दोनों मोबाइल मार दिया आज क्लास में। नहीं टीचर, टीचर लास्ट में ए लड़का है, तुम छिप रहा है, तुम छिप रहा है, तुम कब कहाँ थे इतना देर से? होमवर्क नहीं बनाए सर, होमवर्क नहीं बनाए। सर जी गुल्ली डंडा खेलते रहता। हाँ रे, ओ जोक सपाट। इधर इधर जी, एक दौर में एपीजे अब्दुल कलाम भी बैक बेंचर थे। अच्छा, लेकिन आगे चल के बने राष्ट्रपति बने और साइंटिस्ट, इंडिया के प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन। तो हमारे आगे चल के
जाई रूम में जाओ। पानी भी है क्या बात है? पानी भी है, क्या बात है? बोल रहे यार लोग कुछ भी नहीं पाते। काफी पुराना कुआं यहाँ पर और इसमें अभी भी पानी वैसे ही बना हुआ है, अब बिल्कुल साफ भी दिख रहा है। यहाँ से ऊपर जाने नहीं दे रहे, बंद करके रखा हुआ है। ये चूल्हा है हम देखे हैं एक वीडियो में, वो बता रहे थे यहाँ पे चूल्हा है, गाइड साहब यहाँ पे खाना बनता था। हाँ ये हॉस्टल है, यहाँ खाना बनता था और ये चारों तरफ रूम है, काफी बड़ा है, कम रूम नहीं है। कितना लेटरिन मतलब वहाँ था ना, रात में कैसे, इसमें ही होगा इंतजाम, देख लेते ना।
कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? आज से कर्नाट या राजगीर दूसरा होटल विजिट किया है ना, ये हमारा आज का होटल। भाई साहब हमारे रूम दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। चलो ठीक है, हम समझ के जाओ। ठीक है ठीक है, ठीक। और ये हमारा रूम 108। क्या नाम है होटल का जी? हेलो, होटल का क्या नाम है? सिद्धार्थ होटल। और ये रहा आज का रूम, जो कि है एक ही और एक में ही आज पूरा बवाल काटेंगे, क्योंकि कल 3 रूम लेना पड़ा था और वो रूम भी काफी अच्छा था। उसके बनिस्बत ठीक ही है ये रूम भी। ये 2 सिंगल बेड हैं, 2 डबल डबल बेड हैं। कल हम लोग बट गए थे 4-4 आदमी 3 रूम में, आज एक ही रूम में सब मिल करके मौज काटेंगे। कलर्स लगा क्या? जेसी भी देखेगा, बिग बॉस वही देखते हैं जिसको जेसीबी की खुदाई पसंद है। मतलब जेसीबी की खुदाई देखने वाला लोग बिग बॉस खासकर देख लेता है। जेसीबी को खोदते हुए देखना और बिग बॉस देखना बराबर है। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कलर्स लगाने, इसका मतलब बिग बॉस देखना है। इनको बिग बॉस बहुत पसंद है।